राधा स्वामी ब्यास दी गद्दी। बाबा जैमल सिंह स्वामी शिवदयाल दे दो मुखी चेले सन, एक अराए सालग्राम ते दूसरे बाबा जैमल सिंह पिंड कुमाण जिला गुरदासपुर। बाबा जी 1857 दे गदर समय सिख फौज विच नौकर सन। उस फौज दे आगरे विच होण करके स्वामी जी नाल आप दा संबंध कायम होया। श्री शिवदयाल दे चलाने बाद राए सालग्राम आगरे विच गुरु बन गए। बाबा जैमल सिंह फौज की नौकरी तो रिटायर होके 1891 ईस्वी विच जिला अमृतसर विच दरिया ब्यास के कंढे पिंड वड़ैच अते बालसरां दे लागे आ टिके। उत्थे उन्हां ने भजन तप शुरू कर दिता। बालसरां दे सिखां ने बाबा जैमल सिंह नूं सिख साध समझ के पिंड की सांझी जमीन विचों धर्मशाला बनाउण लई 11 कनाल 16 मरले जमीन की रजिस्ट्री श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाम करके दिती। 14 जून 1897 ईस्वी नूं इस जमीन की रजिस्ट्री नंबर 254 गुरु ग्रंथ साहिब के नाम हुई। उस विच लिखिया है, गुरु ग्रंथ साहिब वाकया धर्मशाला मुतजिम बाए हतमाल जैमल सिंह साध जट। इस दे इंतकाल की तस्दीक विच दर्ज है, भाई जैमल सिंह नूं इह जमीन रहण जां बै करन दा हक हासिल नहीं है, तां कि आम धर्मशाला मुतलका धर्मशाला रहेगी। बालसरां दे जिन्हां मुखियां ने इह जमीन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाम रजिस्ट्री कीती, उन्हां दे नाम हन लालू नंबरदार, मताप सिंह, भान सिंह, बूड सिंह, शेर सिंह अते गुरदित सिंह। उन्हां दिनां विच ना तां बाबा जैमल सिंह ने कहा कि मेरा मत सिखी नालों वक्खरा है, ना ही लोकां ने यह समझिया कि वह राधा स्वामी हन। बाबा जैमल सिंह दे लिखे हुए परमार्थी पत्र हन जो ब्यास वालियां ने छापे हन। उन्हां विचों आरंभक पत्रां उत्ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद का सिरलेख दर्ज है। राधा स्वामी धाम की बजाए बाबा जैमल सिंह ने सब तो उच्ची आत्मक अवस्था लई गुरु नानक देव जी का सचखंड शब्द वरत्या है, जो जपजी के अंत विच वर्णन किया है। सन 1903 विच बाबा जैमल सिंह जी का देहांत हो गया। उन्हां दी थां बाबू सावण सिंह जानशीन बने। 10 मई 1905 ईस्वी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाम धर्मशाला दी हुई रजिस्ट्री दा इंतकाल नंबर 536 होया। उस विच भी दर्ज है कि सावण सिंह चेला जैमल सिंह बराए मोहत ममो डेरे वाली असल थां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाम ही रही। इस नूं बाद विच बदलन दा यतन किया गया। बाबू सावण सिंह कौन सन? बाबू सावण सिंह दा जन्म 27 जुलाई 1858 ईस्वी नूं पिंड महमा सिंह वाला जिला लुधियाने विच सरदार काबल सिंह गरेवाल दे घर होया। इन्हां ने गुजरांवाल दे स्कूल विच मैट्रिक पास कीती, फिर फौजी स्कूल फरखाबाद यूपी विच 2 साल टीचर रहे। सन 1884 विच थॉमस कॉल रुड़की विच दाखिल हो के ओवरसीयर दा इम्तिहान पास कीता। उपरंत नौशहरा छावनी विच MES विच ओवरसीयर लगे। नौशहरा, रावलपिंडी, कोमरी, एबटाबाद आदिक थावां ते काम कीता। ओवरसीयर होण करके लोग आप नूं बाबू जी कहिंदे सन। सन 1894 विच कोमरी विच बाबा जैमल सिंह जी नूं मिले ते उन्हां दे सतसंगी बने। 1903 विच बाबा जी दे देहांत बाद उन्हां दे उत्तराधिकारी बन गए। सन 1911 विच SDO दी पदवी तो रिटायर होके ब्यास विच आ टिके अते उत्थे राधा स्वामी मत दा प्रचार करन लगे। पंजाब विच सिख सतगुरुआं अते गुरसिखी दा बड़ा प्रभाव है। दूसरे बाबा जैमल सिंह अते बाबू सावण सिंह दोवें खानदानी तौर ते सिख सन, गुरबाणी दी ओट लैंदे सन। इस वास्ते कुछ सिख भी इन्हां दे असर हेठ आए। बाबू सावण सिंह जी दे मास्टर तारा सिंह, जथेदार ऊधम सिंह नागोके आदिक अकाली लीडरां नाल चंगे संबंध सन। असीं बाबू जी दे रावलपिंडी ते एबटाबाद दे इक दौरे विच सिंह सभा रावलपिंडी ते एबटाबाद वल्लों राधा स्वामी मत की असलीयत बयान करन लई श्रोमणी कमेटी वल्लों उत्थे गए।
बाबू सावन सिंह सिख लीडरां दे सामने हमेशा यह कहिंदे सन कि मैं तो गुरु नानक साहब के मत अते गुरबाणी का प्रचार करदा हाँ, पर वह स्वामी शिव दयाल नूं भी मनदे सन। राधा स्वामियां वांग पंज नाम दिंदे सन, देहधारी गुरु दे कायल सन। आगरे वालियां नाल वह काफ़ी मतभेद रखदे सन। सिख होण करके ते आला दुआला सिख होण करके गुरबाणी दे शब्दों की कथा करदे सन। 26 नवंबर 1938 ईस्वी की गल है कि श्री आनंद स्वरूप आगरे वाले ब्यास गए। दोहां पार्टियां दा इकट्ठा सतसंग होया, असी उस नूं सुन गए। बाबू सावन सिंह ने श्री आनंद स्वरूप नूं कहा कि आप सार बचन विच्चों कथा सुनाओ, असी गुरबाणी विच्चों सुनावांगे। श्री आनंद स्वरूप ने कहा इस दा मतलब यह है कि जो कुछ स्वामी जी ने सार बचन विच बयान किया है गुरबाणी विच भी है, फिर राधा स्वामी मत की की लोड़ सी। बाबू सावन सिंह ने उत्तर दिता, गुरबाणी विच शब्द सुरत का अभ्यास दस्या गया है। स्वामी जी तो पहला होए संत महात्मा भी भजन की जुगती दसते सन। सारे संतां का मत इको ही है। दो चार मिनट की गलबात के बाद श्री आनंद स्वरूप ने सार बचन विचों जग में घोर अंधेरा भाई दे बचन की कथा की। उपरंत बाबू सावन सिंह के दो प्रेमियां ने बड़ी मधुर सुर विच कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा दा शब्द पढ़िया। उस वक्त लोगों के मन विच गुरु भगत ते सेवा दा अथाह सागर ठाठा मारन लग पिया। गुरबाणी दे पाठ नाल ही अकह रस पैदा हो गया। बाबू सावन सिंह ने गुरबाणी दे शब्द एकत्र करके दो पुस्तकां लिखियां हन। एक दा नाम है शब्द दी महिमा दे शब्द, दूसरी दा नाम है गुरमत सिद्धांत। यह कोई 900 सफे तो वधीक दी पोथी है। एक गल स्पष्ट करनी चाहुंदा हाँ कि ब्यास वाली गद्दी दे राधा स्वामी भी देहधारी गुरु अते शख्शी पूजा उत्ते निश्चा रखदे हन। गुरबाणी नूं गुरमत दर्शाउण लई नहीं पढ़दे बल्कि अपने गुरु डम दे प्रचार हित वरतदे हन। गुरसिखी दा सिद्धांत है बाणी गुरु, गुरु है बाणी, पर ब्यास वाले इस नूं नहीं मानदे। दसम पातशाह ने पंज प्यारे साज के उन्हां नूं गुरमंत्र ते अमर छकाण दा अधिकार दे के शख्शी गुरता नूं पंथ विच मुतकिल कीता है, पर ब्यास वाले सिंघ नाम रखा के ते सरूप धार के गुरबाणी पढ़दे होए भी दसम पातशाह जी दी सिक्खी तों इनकारी हन। इह अपना मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सहिपं गुर प्रसाद नूं नहीं मनदे। बाबू सावन सिंह जी अपनी पुस्तक गुरमत सिद्धांत विच राधा स्वामी नाम नूं तुनात्मक मनण तों इनकार करदे होए सफा 67 उत्थे लिखदे हन, सतनाम सच्चे मालक दा नाम है जो खंडा ब्रह्मंडा नूं लई खड़ा है ते हर एक दे अंदर तुनकारां दे रहा है। वह तुनात्मक नाम है जिस दी धुन घट घट विच हो रही है, जो मालक नाल मिलाण दी डोरी है। इस तों स्पष्ट है कि बाबू सावन सिंह जी सतनाम नूं तुनात्मक नाम मानदे सन। उस दी धुनकार होण ते यकीन रखदे सन ते दयाल बाग आगरे वाले राधा स्वामी नाम नूं तुनात्मक दसदे हन। ਇਹ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬੂ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੰਨਾ 66 ਉੱਪਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ कि एक पासे वो आप सार बचन अते होर पोथियां छाप के लोगों नूं देंदे ते उन्हां दी कथा सुनाउंदे हन। जे ग्रंथां दे सत दी शो नहीं प्राप्त हो सकदी तां फिर उन्हां दे छापण ते कथा करन दा की लाभ है। हजारां बरसां दे अनुभव अते तजर्बे दे बाद मनुखता पास जो ज्ञान प्रकाशमान होया है ते सुरक्षित है, वह दो तरीकियां नाल ही होया है। एक बाणी रूप विच स्रोत राही जां सीने बसीने चेते रख के, दूसरे लिखत अर्थात ग्रंथ रूप विच। इसे लई श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा है पोथी परमेश्वर का थान। प्रसिद्ध विचारवान कारलाइल का कथन है असी महापुरशां दे आत्मक दर्शन
उन्हां दी बाणी विच्चों कर सकदे हां। राधा स्वामियां दी एक पुस्तक है छांटे हुए बचन, उस विच लिखिया है, हमें क्यों कर यकीन हो कि सत पुरख राधा स्वामी का दर्जा परमेश्वर और खुदा से ऊंचा और बड़ा है। उत्तर विच लिखिया है, उनकी बाणी को वेद, पुराण, कुरान, अंजील वगैरह कुल किताबों से मिलान करने से। इत्थे बाणी ते ग्रंथ नू ही प्रमाण मन्या गया है। ये बाबू सावन सिंह दी लिखत दी तरदीद है। 1947 ईस्वी विच बाबू सावन सिंह ने कई साथियों नू कहा कि मेरे उत्तराधिकारी संत कृपाल सिंह होणगे। 2 अप्रैल 1948 ईस्वी नू बाबू जी दा देहांत होया। सरदार जगत सिंह बाबू जी दे पोतरे सरदार चरण सिंह ने ब्यास वाले राधा स्वामियों विच गंढ तुप करके अपनी पार्टी बना ली। जट गैर जट का सवाल खड़ा करके संत कृपाल सिंह नूं शंट कर दिता। लायलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज के रिटायर प्रोफेसर सरदार बाबा जगत सिंह नूं गुरु बनाया गया। 1951 ईस्वी विच उन्हां दा देहांत हो गया। सरदार चरण सिंह गुरु बन गए, उन्हां दे विरुद्ध भी एक पार्टी खड़ी हो गई। 1954 ईस्वी विच पिंड बलसरां दे सरदार साधु सिंह, सरदार तेजा सिंह, दर्शन सिंह, गुरदास मल ने सीनियर सब जज की अदालत विच एक केस दायर किया कि डेरा बाबा जैमल सिंह दी 11 कनाल 16 मरले जमीन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाम रजिस्ट्री है, उत्थे पुरातन मर्यादा कायम रखी जाए। 24 जून 1954 ईस्वी नूं सरदार चरण सिंह ने जवाबी दावे विच कहा कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं इष्ट नहीं मनदे, ये साडी निजी जायदाद है, बीड़ चुक दित्ती है। 1957 ईस्वी विच सरदार चरण सिंह ने 30 एकड़ जमीन का कानून लागू होने उपर राधा स्वामी सतसंग ब्यास सोसायटी बनाई ते उस दी वीटो पावर अपने हाथ विच रखी। इस उपर आगरे वांग ब्यास ते राधा स्वामियों विच भी एक पार्टी होर बन गई जो ये कहिंदी है कि पिंड सिकंदरपुर तहसील सरसा विच बाबू सावन सिंह ने जो जायदाद ते जमीन बनाई है वह पूजा भेट तो बनी है, वह सतसंग की मलकीयत है। सरदार चरण सिंह कहिंदे हन कि मैं उसका वाहद मालक हाँ, वह निजी अते गुरता की जायदाद नूं वख वख करदे हन। बाबू सावन सिंह जी वांग सरदार चरण सिंह भी सिख रूप विच गुरबाणी की आड़ विच अपना गुरुडम प्रचारदे रहे। बाबा बग्गा सिंह बाबा जैमल सिंह दे दो मुखी चेले सन, एक बाबू सावन सिंह ते एक बग्गा सिंह, दोहां विचकार मतभेद सी। बाबा बग्गा सिंह ने तरन तारण विच अपना वखरा डेरा बना लिया, आप गुजर गए हन। संत कृपाल सिंह ब्यास दी गद्दी ना मिलन करके सरदार कृपाल सिंह ने गुड़ मंडी दिल्ली विच सावन आश्रम बना लिया, ये पिछों सैयद की सरां जिला रावलपिंडी दे हन, कंट्रोलर मिलटरी अकाउंटेंट्स दे दफ्तर विच सन, चंगे अहुदे तों रिटायर होए हन, पेंशन लैंदे ये दिल्ली विच राधा स्वामी मत दा प्रचार करदे। संत कृपाल सिंह चंगे बोलण ते लिखण वाले हन। इन्हां दीआं कई पुस्तकां 17-22 फरवरी 1966 ईस्वी नूं पैरिस विच 4वें विश्व धर्म सम्मेलन दे प्रधान सन। उस दे प्रधानगी पत्र विच आप ने राधा स्वामी मत दा कोई जिक्र नहीं कीता। हजरत ईसा दे बचना अते गुरबाणी दे वाकां, जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, नानक से अखड़ियां बयान जिन्नी डसंदो मां पिरी दी व्याख्या, अध्यात्मकवाद ते संसार व्यापी सांझे धर्म दा वर्णन कीता। इस लई कि आप समझदे सन कि यूरप दे लोकां दा दृष्टिकोण आर्थिक ते विज्ञानक बन चुका है, वह आलती पालती आसन सुन गुफा ते दसम द्वार विच सुरत चढ़ाउण विच यकीन नहीं रखदे। रसाला सत संदेश दिल्ली विच अपने आप नूं जिंदा सत पुरश हस्ती लिखवाउंदे हन जो गुरमत अते भारतीय फिलासफी दे उल्ट है। सत संदेश अगस्त
1968 ईस्वी के सफा 4 ते लिखिया है, ध्यान विच बैठे 250 नर नारियां नू बाबा सावन सिंह ते संत किरपाल सिंह दे दर्शन होए। 17 ने मोटा तारा वेख्या, कई चन्न नू विन के परे निकल गए। ये शख्शी पूजा ते पुराने जोगमत दीआं गलत मनौतां हन। साढ़े राधा स्वामी चन्न तारे अंदर विखाउंदे हन, लोकी चंद ते उतर गए हन। गुरु डंब दे कारण ब्यास वालां दीआं वी तीन गद्दियां बन गईआं हन। स्रोत राधा स्वामी मत दर्पण, लेखक ज्ञानी प्रताप सिंह, आवाज भाई गुरजंट सिंह रूपवाली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।